इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार दे दिया है। अली अमीन गंडापुर को थाना I9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया गया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस से दीगर मुल्जिमान को अलग कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं, जीशान सैयद इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। जीशान, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के मुकदमे में वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए जज ताहिर अब्बास सिपरा ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस दीगर मुलजिमान से अलग कर दिया गया और मुलजिमान में राजा राशिद हफीज, वासिफ कयूम, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर भट्ट के नाकाबिली जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी कर दी गई है। तमाम गैर हाजिर मुलजिमान के वकला जो है उनकी जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई, जो कि अदालत ने मुस्तरद कर दी और गैर हाजिर मुलजिमान की जमानतें मचल के मनसूख भी कर दी गई। तहम केस की आइंदा समाअत जो है वो 28 नवंबर को होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जीशान।